When may court issue non-bailable warrant against accused or any witness? कब court किसी accused या किसी witness के against non-bailable warrant issue कर सकती है against his or her non-appearance before the court? यदि court के द्वारा बार बार बुलाए जाने के बावजूद वो accused person या वो witness court में appear नहीं हो रहा है, तो कोर्ट कब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है? इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है इंदर मोहन गोस्वामी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अदर्स के केस में। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस फिक्स किया है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है, और हर कोर्ट को नॉन बेलेबल वारंट इशू करने से पहले इन ऑब्जर्वेशंस को देखना होता है, देखना होता है कि क्या ये क्राइटेरिया मीट कर रही हैं या नहीं। तो आइए समझते हैं। बेसिकली जो इशुएंस है नॉन बेलेबल वारंट्स का, ये जिस पर्सन के अगेंस्ट इशू होता है उसके पर्सनल लिबर्टी को, पर्सनल फ्रीडम को वॉयलेट करता है। जो मोस्ट प्रीशियस ह्यूमन राइट है विच इज पर्सनल लिबर्टी, उसे वॉयलेट करता है। अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉयलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ एनी पर्सन। और कोर्ट्स को नॉन बेलेबल वारंट इशू करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट तभी इशू कर सकती है जब पहले से कोर्ट ने समन्स इशू किया है उस पर्सन के अगेंस्ट, बेलेबल वारंट इशू किया है उस पर्सन के अगेंस्ट, फिर भी वो पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन खुद से कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। पुलिस अथॉरिटीज फेल हैं उसे कोर्ट में अपीयर कराने को। ये एप्रिहेंशन है कोर्ट के मन में कि कोई पर्सन जो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से जुड़ा हुआ है, वो पर्सन उस पर्सन को हार्म कर सकता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट उस पर्सन के अगेंस्ट इशू कर सकता हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।